Oh, very good morning my dear student my dear student as you know that at present financial statement of sole proprietorship chapter is going on in this chapter we will learn final trading account profit and loss account and balance sheet and my dear student we have learned the trading account we have uh, done the format of trading account and we have done the some questions of trading account in today's video uh, we will learn the cost of goods sold तो हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है उसका फार्मूला क्या होता है तो दे आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर सो वी विल लर्न माय डियर स्टूडेंट नंबर फर्स्ट पॉइंट इज दिस ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस लॉस येस माई डियर स्टूडेंट वी नो वेरी वेल अबाउट इट इफ वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट दैट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस सेकेंड पॉइंट इज माई डियर स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी प्रजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज फ्लो फॉलोज वो बताना चाहते हैं कि अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना चाहते हैं तो क्या होगा दिस इज द फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इज इकल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल्स सपोज कोई सामान आपने दस रुपए का बेचा तो यही नेट सेल्स है दिस इज सेल्स एंड माइनस कॉस्ट कॉस्ट का मतलब कितने में बना के तैयार किया था सपोज आपने उसे आठ रुपए का बना के तैयार किया था तो आठ रुपए इसकी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अगर आप दस का बेचते हैं आठ का बनाया था तो आप क्या आएगा दो रुपये का प्रॉफिट आएगा जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं डियर स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट तो इसका हमारा इक्वेशन में एक फार्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट अगर आपके पास सेल्स है और कॉस्ट भी है तो डेफिनेटली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन डियर स्टूडेंट दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट कॉस्ट कैसे निकालें कॉस्ट को कैसे निकालें तो कॉस्ट का फॉर्मूला एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को हमें समझना पड़ेगा अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है परचेज आता है डायरेक्ट एक्सपेंसिस आते हैं तो इसका मतलब पहले कुछ सामान था ओपनिंग स्टॉक कुछ और खरीदा खर्चे करे परचेज में फिर उस उसमें लगाया डायरेक्ट एक्सपेंसिस करे डियर स्टूडेंट तो ये सब हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड में एक आइटम आता है क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने उसे क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड में जो आता है देन इजीली यू कैन कैलकुलेट माय डियर स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कॉस्ट निकाल दोगे उसकी और अगर कॉस्ट आपने निकाल दी तो फिर आप ये देखोगे कि भाई कॉस्ट इतनी है सेल कितने में करी तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ इससे ऊपर एक बात और क्लियर करिए नेट सेल्स नेट सेल्स को अगर आप निकालना चाहते हैं माई डियर स्टूडेंट अगर आप नेट परचेज या नेट सेल्स को निकालना चाहते हैं नेट का मतलब एक्यूरेट तो इसका मतलब क्या है सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए और अगर परचेज नेट परचेज निकालना चाहते हैं तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए तो अगर आप रिटर्न माइनस कर देते हैं उनकी तो डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट द नेट परचेज और नेट सेल्स माइडिया स्टूडेंट तो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड माइडी स्टूडेंट अदरवाइज कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड आपको पता है कि कैरीज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड कैरेज आउटवर्ड इज अ अंडाट एक्सपेंसिस लाइक दिस रिटर्न वर्ड अंदर अगर वापस आ रहा है तो रिटर्न वर्ड इज अ सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न आउट वर्ड इज अ प परेज रिटर्न माइ डियर स्टूडेंट तो दिस इज अम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी विल डू द सम क्वेश्चन माइ डियर स्टूडेंट लाइक दिस माइ डियर स्टूडेंट दिस इज अ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन माई डियर स्टूडेंट दिस अ वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू सो माई डियर स्टूडेंट दिस इज अ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर एट लाख रुपीस अगर आपकी टोटल परचेज आठ लाख रुपए है आगे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड वाला अंदर वापस आया अंदर वापस आ रहा है तो क्यों हमारा बेचा होगा तो दिस इज सेल्स इनवर्ड इज अल्स रिटर्न टू ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ आगे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिस सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ और अब हमसे एक बात कहते हैं टू पॉइंट थर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फोर रुपीज़ सिक्स लैख टेन थाउजेंड रुपीज़ माइडी स्टूडेंट दे आर सींगट टू पॉइंट थर्ड ऑफ द गुड्स आर सोल्ड मतलब कि हमने पूरा सामान सेल आउट नहीं करा टू पॉइंट थर्ड ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फोर रुपीज़ सिक्स लैख टेन थाउजेंड रुपीज़ लाख दस हज़ार रुपये में हमने इस सामान को सेल आउट कराया है डियर स्टूडेंट नाउ यू कैन चेक इजिली सिक्स लैक टेन थाउजेंड रुपीज तो माई डियर स्टूडेंट आई आई एम टेलिंग यू डेट हमने जो सामान को सेल आउट कराया है वो कंप्लीटली सामान सेल आउट नहीं करा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमसे कहना चाहते हैं कि हमने कुछ सामान सेल आउट कराया टू अपॉइंट थर्ड गुड्स होल्ड करा हमने तो अगर इस तरह के क्वेश्चन तो किस तरह से करेंगे तो माई डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स वोल्ड का फार्मूला हमने लगाया टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड माइडमेंट दिस रिटन आउटवर्ड तो टोटल में रिटर्न आउटवर्ड माइनस करिए मतलब परचेज रिटर्न एंड प्लस डायरेक्ट को प्लस कर दीजिए बट ओपनिंग स्टॉक प्लस करने के लिए नहीं है क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के लिए नहीं है इसमें इसलिए हमने उसे यूज नहीं करा तो अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो डजेंट मैटर मे भी हो सकता है ना हो ओपनिंग स्टॉक भी ना हो और इस साल कुछ एंड में सामान बचाना हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है तो डजेंट मैटर तो हमारे पर टोल परचेज में से हमने परचेज रिटर्न को माइनस करा इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसिज को प्लस करा तो हमने एट लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ क्या निकाल दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड माई डियर स्टूडेंट ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कंप्लीट आ गया अब हम यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं टू अपॉइंट थर्ड ऑफ गुड्सिक्स लाख टेन थाउजेंड रुपीज़ टू अपॉइंट थर्ड जो हमने सामान बेचा है वो छह लाख दस हज़ार रुपये का है तो हम कहेंगे टू अपॉइंट थर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की है भाई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आठ लाख चालीस हज़ार की है तो आठ लाख चालीस हज़ार इंटू टू पॉइंट थर्ड करेंगे तो पाँच लाख साठ हजार रुपये आ जाता है इसको मतलब टू पॉइंट थर्ड की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है हमारा पाँच लाख साठ हजार रुपये एंड माई डियर स्टूडेंट नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सेल्स माइनस कॉस्ट तो सेल्स छः लाख दस हजार रुपये कॉस्ट कितनी निकल गई है भाई पाँच लाख साठ हज़ार रुपये मतलब अगर हम कहते हैं टू पॉइंट थर्ड सामान हमने बेचा तो टू पॉइंट थर्ड की सेल्स और टू पॉइंट थर्ड की कॉस्ट उसको हमने माइनस करा तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अ ग्रॉस प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट सो इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट दिस इज अंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइ डियर स्टूडेंट सो नाउ अगेन दिस टाइप क्वेश्चन वी विल एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन दे आर इन ओपनिंग स्टॉक थर्टी थाउजेंड रुपीज परचेज फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एक्सपेंसिव ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव परचेजेंसि सिक्स थाउजेंड और सेल्स हमारी नब्बे हजार रुपए की है एक्सपेंसिव और सेल्स एक्सपेंसिव ऑफ सेल्स इंड डायरेक्ट क्योंकि अगर सेल्स के लिए आप खर्चे कर रहे हैं तो सामान बन चुका है तो इट इज नॉट द मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसिव इट इज नॉट अ फैक्ट्री एक्सपेंसिज तो दिस तो एक्सपेंसिजेंसिव ऑफ सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिज एंड क्लोजिंग स्टॉक माई डियर स्टूडेंट एंड में क्या कहते हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ये दो चीजें आपको निकालनी है तो यहां पर हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूल लगाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसिस ऑन परचेज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसिज एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर ये सब चीज़ें हम पुट कर दें हम sales, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट तो सेल्स हमें दे रखी नाइन्टी थाउजेंड उसे रखा हमने कॉस्ट हमने अभी भी निकाली है फिफ्टी फोर थाउजेंड उसको हमने यहाँ रखा इजीली वी कैन कैलकुलेट थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ माई डी स्टूडेंट इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे तो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस माई डियर स्टूडेंट Uh, this type of question. So, thank you very much, and God bless you. I hope you understood this concept. So, thank you very much. Please do this question.